तो कितना इनकी गिरावट आई इसी कार्ड से इनका मालूम चल जाएगा जैविक में कितने आ गए हैं। अच्छा, आपने जो फसल उगाई तो आपने मेजर फसल कौन कौन सी यहाँ पे खरीफ में और रबी में क्या क्या लगाते हैं आप लोग? धान लगते थे। अच्छा, सब्जी लगते, बरसात में सब्जी लगाते हैं। अच्छा जी, और ये जो एक एकड़ आपने जैविक कराया है जिसमें पीके वाइक में, उसमें क्या लगाया आपने? धान लगाया है। धान लगे थे, धान मक्का वगैरह भी करते हैं। मक्का मक्का बाड़ी में लगाए। अच्छा, कोदो कुटकी यहाँ पे होता है? होता है सर, लेकिन ये साल नहीं लगाया, दो तीन साल। इस साल नहीं लगाया। बाकी कोदो कुटकी तो बहुत फायदा करता है, कोदो की प्रोसेसिंग यूनिट भी लगी है हमारे अनूपपुर में। जैसे मैं जिला प्रभारी अनूपपुर से हूँ, यहाँ पे जैविक खेती में, तो मैंने देखा आपके बैपुरी में गांव में वहाँ पे आपकी यूनिट भी लगी है वहाँ पे जैविक वाली। तो ये आपकी फसल हुई तो आप इसको कहाँ बेचते हैं? ये बाजार है सर। बाजार कहाँ पे? जतहरी है। जतहरी में जैविक का आपको रेट अच्छा मिलता है कि रासायनिक अच्छा मिलता है? जैविक का मिलता है। उसमें कितनी आपकी लागत बच गई मान लो आप? उसमें रासायनिक भी बहुत पैसा लगता था, तो आप लोग यूरिया डीएपी लेने जाते होंगे, पहले बहुत पैसा खर्चा करते होंगे, अब जो है वो लागत नहीं लगती है ना। गोबर, अब गोबर घर में ही हो जाता है। जानवर कितने अपने पास में? जानवर 12 रहे थे, गाय भैंस ले, 11 गाय और 11-12 आपके जानवर है। और ये बढ़िया है, आपको कम से कम घर में ही आपका सब सामग्री मिल जाती है जैविक खाद के लिए। तो इसको आप किसान भाइयों क्या सलाह देना चाहते हैं आगे जाके, इन जुड़ना चाहिए जैविक से कि नहीं जुड़ना चाहिए, और इससे फायदा है कि नहीं है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें हमारी फसल की उपजा उत्पादन कम हो गया, इसको क्या कहोगे आप? पहले सर रासायनिक खेती करते थे, हाँ, अब उसमें धीरे धीरे सुधार हो गया जैविक। अच्छा, तो वही है कि पहले उत्पादन नहीं मिल पा रहा, लेकिन अब धीरे धीरे करके उत्पादन मिलेगा और मिट्टी की हालत भी सुधरेगी, ताकि हाँ, बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। देखिए, ये कह रहे हैं कि जैविक में इन्होंने पहले शुरुआत में लागत इनको पुरानी वाली नहीं मिल पाई, इनकी उत्पादन बहुत कम हो गया, लेकिन धीरे धीरे करके जब इन्होंने, आप भी क्योंकि लास्ट ईयर चल रहा है इनका, 3 साल पूरे हो गए हैं इसके पीकेवाई में इनको, तो इनकी लागत पुरानी वाली वापस मिल गई जो केमिकल में लगाते थे। ये शुरुआत में इन्होंने जरूर नुकसान पाया, लेकिन अब जाके इन्होंने अपना एवरेज मेंटेन कर लिया है। और ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जैविक किसान और आगे किसान भाइयों को जुड़ना चाहिए। अपने पूरे गांव के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जैविक में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैविक होना चाहिए सर, पूरे जैविक में होना चाहिए, तो इससे फायदा है ना उनको? फायदे से, हाँ, तो कोई बीमारी मारी भी नहीं लगेगी आने वाली पीढ़ी में, हमको ये बंजर जमीन नहीं मिले, कम से कम उपजाऊ जमीन मिले। अच्छा जी, ये रही इनकी सफलता कहानी, और ये परंपरागत कृषि विकास योजना के हमारे लक्ष्मण भाई थे।